हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ लोटस इकोस्टी से अनादर शेड नेल पेंट का। दिस इज़ हाई शाइन नेल इनेबल और इसका प्राइस 199 रुपीज़ है। इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है और साथ ही इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 10 ml है। और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड जो मैंने ऑर्डर किया है वो है रॉकिंग रेड एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और इसका शेड है E231 रॉकिंग रेड। जी हाँ, दिस इज़ द रेड कलर। और मैंने इसके अनादर शेड का भी रिव्यू किया है, अपलोड किया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ये 3-4 से 5 दिन इजीली स्टे कर जाती है। इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा थिक है। अगर आपके नेल्स पतले हैं तो थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो डेफिनेटली आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे अप्लाई करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए और इसके 2 कोट्स लगाएं। हाँ, सिंगल कोट अब मुश्किल से 1 दिन या 1.5-2 दिन ही चलेगा, लेकिन अगर आप इसके डबल कोट चलाते हैं तो वो डेफिनेटली 5 से 6 दिन इजीली चल जाएगा। क्योंकि 5 से 6 दिन उसके बाद आपके जो नेल्स के अपर कॉर्नर्स है ना, वो लिटिल बिट कहीं ना कहीं मतलब आपके थोड़े बिगड़ने लगेंगे। क्योंकि लेडीज़ को क्या होता है कि घर में बर्तन मांजने होते हैं, अनादर बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं नेल पेंट थोड़ी कमी चलती है। बट हाँ, स्टिल ये काम करने के बाद भी 4 से 5 दिन चल जाएगी डबल कोट होंगे तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसका एप्लीकेटर बता देती हूँ सबसे पहले। तो दिस इज़ द एप्लीकेटर, यू कैन सी। और अब मैं इसे अप्लाई करके बता देती हूँ आपको। अभी जो मैंने अप्लाई किया है ना, वो मैंने सिंगल कोट ही अप्लाई किया है। और इसका पिगमेंटेशन देखिए, इसका पिगमेंटेशन काफ़ी हाई है, रिच पिगमेंटेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेंजरीन रेड कलर है। और चलिए अब मैं इसको अपने हैंड पर इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल्स बताती हूँ। तो ये मैंने अपने हैंड पर अप्लाई कर दी है एंड दिस इज़ 1 कोट। ये लॉन्ग नेल्स पर आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कलर, और ये शॉर्ट नेल्स पर हैं, उस पर भी ऑल्सो ब्यूटीफुल लग रहा है कलर। तो दिस इज़ वेरी मस्ट हैव कलर एक्चुअली। अगर आप इसमें कोई कलर परचेज कर रहे हैं तो रेड कलर में ये रॉकिंग रेड ज़रूर परचेज कीजिएगा, ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है लोटस नेल पेंट इकोस्टी हाई शाइन नेल इनेबल का। थोड़ी सी मेरे हाथ से बिगड़ गई है, गीली है, तो सॉरी फॉर दैट। और साथ ही इसके बारे में बता देती हूँ, 100% वेजिटेरियन है एंड फ्री फ्रॉम DBP है और अदर कुछ केमिकल्स भी हैं इसमें जो इसमें नहीं होने चाहिए, जो डेफिनेटली उससे फ्री हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। बट इसकी स्टेइंग पावर की बात करी जाए तो लिटिल बिट कम है। और एक वन मोर डिसएडवांटेज मैं आपको इसका बता देती हूँ, ये 2 से 1-2 दिन बाद ना लिटिल बिट फेड होना स्टार्ट हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है। आई डोंट नो, ये जितना टेंजरीन रेड कलर जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मरूनिश रेड कलर में हो जाता है थोड़ा सा। तो दैट इज़ द वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज हम सोच के कुछ और कलर लगाते हैं और हो कुछ और कलर जाता है 1-2 दिन बाद, तो दैट इज़ द वेरी बिग डिसअपॉइंटिंग पॉइंट। सो बिल्कुल आप किसी और ब्रांड में ज़रूर स्विच हो सकते हैं अगर ये आपको, मेरे हिसाब से तो आप अगर 200 रुपये की नेल पेंट ले रहे हैं तो आप किसी और ब्रांड से भी ले सकते हैं, बिकॉज इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी लिटिल बिट दूसरे ब्रांड से ज़्यादा आती है बिल्कुल। बट हाँ, कहीं ना कहीं फेड हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको 7 मार्क्स ही दूंगी 10 में से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबाए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल जाए। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।